भांग की गोली खाने से सेक्स पावर कम हो गई, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुख्य तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। जैसे मैंने बताया कि हम ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग, वीडियो कंसल्टेशन करते हैं, और उसमें एक लड़के ने मुझे फोन किया, मेरी अपॉइंटमेंट लिया, और उसने जो उसको प्रॉब्लम था वो मुझे बताया। मैंने पूरा लिखा हुआ है और आपको एक बताता हूँ कि उसको कैसा कैसा प्रॉब्लम शुरुआत हो गई। तो ये क्या था, एक 22 साल का लड़का है और 2 साल पहले उसने भांग की गोली खाई। आपकी जानकारी के लिए कैनाबिस जो होता है, कैनाबिस सीड, तो एडिबल प्रिपरेशन मतलब खाने लायक जो उसका तैयार करते हैं उसको बोलते हैं भांग। उसकी गोलियाँ आती है तो अनाज में देते हैं, मतलब फूड में देते हैं, दूध में देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में देते हैं, या गोली खाते हैं, और उससे नशा आता है भांग से, कैनाबिस। तो उसने 2 साल पहले खाई और तब से उसको भूख नहीं लग रही है। अभी सिर में चक्कर आना चालू हो गया, हाथ पैर उसको लगता है कि अभी काम नहीं करते हैं, उसको ऐसा लगता है कि हरदम बुखार है, बुखार जैसा बदन में गर्म लगता है, और उसको लगता है कि अपन कभी भी दोस्तों के साथ में जाते हैं वो उसको ख्याल आता है, लगता है कि अपन अभी भी नशे में है। उसकी वजह से वो काम नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, कहीं आता जाता नहीं है। फिर वो क्या है कि उसको ऐसा अजीब सा लगता है, फिर उसने शराब लेना चालू किया, फिर महीने में 1-2 बार शराब ले लेता है, और उसको ऐसा लगता है कि भाई अपना सेक्स का इंटरेस्ट निकल गया। उसको जो नॉर्मल मॉर्निंग इरेक्शन आते थे, सुबह सुबह जब लिंग में कठोरता आती है, वो नेचुरल है, नैसर्गिक है, कुदरती है, वो तो वो आना बंद हो गया। रात में भी कभी आती नहीं है, उसको मास्टरबेशन की इच्छा कम हो गई, उसको लगता है कि अपनी सेक्स पावर कम हो गई। तो पिछले 2 साल से उसको सेक्स पावर कम लग रही है, उसको खुशी लगती नहीं है, कोई काम में नहीं, डर लगता है, खुशी बिल्कुल नहीं, उदासीनता है। और एक बार ही भांग की गोली लिया तो उसको ऐसा हो गया, लगता कि नहीं अभी मैंने भांग खाना चाहिए, और उसने तब से मतलब खाई नहीं भांग, और 1 महीने से अभी बहुत बीमारी बढ़ गई है, इसलिए उसने मुझे कॉन्टेक्ट किया। तो ये जो है, ये कैनाबिस का प्रिपरेशन है, जैसे मैंने बताया, काम धंधा कर रहा है मगर उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है, शादी होने की बाकी है, और उसको ऐसा लगता है कि अभी मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो बेसिकली कैनाबिस का इफेक्ट इतने दिन चलता ही नहीं है, मतलब भांग का इफेक्ट जो है इतना दिन चलता ही नहीं है, कुछ दिन तो चलेगा, 1-2 दिन, 24 घंटे, 48 घंटे, मगर कुछ तो भी खटका उड़ गया उस दिन, कुछ तो भी हुआ, कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ, एक उसका बिलीफ उसके ऊपर हो गया कि नहीं मैंने भांग की गोली खाया उस दिन, उसको कुछ तो भी हुआ होगा, उस दिन से उसके दिमाग में पक्का बैठ गया कि अभी मैं काम का नहीं रहा, एक पक्का विचार, एक पक्का बिलीफ, और उस दिन से उसको प्रॉब्लम आ रहा। वो हालांकि नर्वस रहता है, भूख लगती नहीं है, उदास है, सुसाइड के विचार आते हैं, सेक्स पावर कम हो गई है, काम में इंटरेस्ट नहीं है। तो उसको मैंने बताया कि भाई आप क्या करो कि अभी एक तो मेडिसिन आपको दूंगा, मैं मेडिसिन ले लो और हम हिप्नोथेरेपी करेंगे। ये क्या है कि एक तो डिप्रेशन है और उसको ये बार 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 विचार आना, मतलब ऑब्सेशन भी है, तो उसको दोनों मिलके इलाज मुझे करना पड़ेगा। दवाई देके उसका ऑब्सेशन और डिप्रेशन दोनों सिम्टम्स जो है वो हम कम करेंगे, और हिप्नोथेरेपी से उसको जो विजुअलाइजेशन है, इमेजिनेशन है, वो उसका अच्छा करके, उसको सजेशंस देके वो अच्छा हो सकता है। फिर हम साइकोथेरेपी उसको देंगे, साइकोथेरेपी उसको काउंसिलिंग करेंगे, उसमें उसको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह का इसका इलाज होता है। एक्चुअली कैनाबिस ये एक निमित्त हो गया, मतलब कुछ तो भी ऐसा हो गया कि उसके वजह से बीमारी हो गई। एक्चुअली वैसा लोगों को कैनाबिस से एडिक्शन रहता है, मतलब भांग का एडिक्शन। भांग में क्या होता है कि लोग हेलुसिनेशंस उनको होता है, मतलब उनको ऐसे चित्र नजर आते हैं, कानों में आवाज़, और उनको एक ऐसा एक अलग सा फीलिंग आता है, एक हवा में घूम रहे, हवा में बह रहे हैं, और एक रिलैक्स फीलिंग लोगों को आता है, करके लोग वो भांग लेते रहते हैं। भांग का एडिक्शन बहुत खराब इसलिए है कि वो बार 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 लेनी पड़ती है और फिर प्रोडक्टिविटी निकल जाती है, तो भांग का एडिक्शन भी ट्रीट लेना जरूरी है। आप ये वीडियो सभी वो लोगों को शेयर करो वो भांग लेते हैं, कभी कभी लेते होंगे, साल में 1 बार लेते होंगे। यूजुअली हमारे कल्चर में ऐसा है कि होली के दिन हम लेते हैं और कोई त्यौहार के दिन हम भांग लेते हैं, तो कभी कभी लेते हैं, मगर उसका नशा उतरने के बाद में फिर नशा करने की इच्छा होती है, इसलिए लेना ही नहीं चाहिए। मगर हमारे यहाँ भांग का व्यापार भी काफ़ी होता है, हमारे देश में बहुत ब्लैक में माल बेचा जाता है, और वो ना हो, लोगों ने ना खरीदो, ना एडिक्शन हो जाए, इसलिए ये वीडियो लोगों को शेयर करो। ऐसे आपको लोग कभी मिले तो वीडियो शेयर करते तो वो लोग हमें कॉल करके हमारा इलाज ले सकते हैं और ये डी एडिक्शन कर सकते हैं, भांग का इलाज कर सकते हैं। हमारा ऐप है वो आप डाउनलोड करो।
उसमें आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं और उसमें ऑनलाइन कोर्सेज जो आप ले सकते हैं। हमारा जो मकसद है, विजन मिशन, वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। इसमें आप हमारे साथ आइएगा। थैंक यू वेरी मच।